कुछ गुड़िया लोग भी आए हो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। पारक सुपर बाज़ार पूरा शोरूम खोल दिया भाई, मैं बजाज का शोरूम भी है छोटा सा, यहाँ पे KTM के शोरूम खुले हुए भाई साहब, एक से खुल गया भाई, मैकडोनल्ड्स भी खुल गया भाई, क्या बात है। ये गाड़ियाँ सब खड़ी है क्या है भाई यहाँ पे, ये मैगी पॉइंट बना हुआ है, गुपचुप सेंटर, वाह यार एक से एक कपड़े आए हुए हैं, बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया भाई साहब ज्वेलर्स के। वेलकम बैक व्लॉग फॉर ऑल पे फिर सब सभी का स्वागत है गाइस। तो आज आप लोगों को मैं रिसाली मार्केट दिखाने वाला हूँ, काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि रिसाली सिटी दिखाइए करके, तो गाइस अभी मैं फिलहाल मार्केट दिखाने वाला हूँ क्योंकि अभी दिवाली आ रही है इस उपलक्ष्य में, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कभी भी मैं आता हूँ तो सेक्टर 10 होते हुए आता हूँ सिविक सेंटर, इधर जाएंगे तो सेक्टर 10 और सिविक सेंटर दोनों हैं, देखो लेफ्ट मुड़ना है। देखो यहाँ पे इस तरह से बर्तन मिल जा रहे हैं, कांच के बर्नी मिल जा रहे हैं, और इधर नारियल पानी मिल जा रहा भाई साहब, और ये पूरा रिसाली सेक्टर एरिया है, और आगे में अपने को स्कूल भी देखने को मिलेगा, दिखाते हैं आप सभी को। और ये देखो यहाँ पे सीताफल मिल जा रहा है भाई, गुलदस्ते मिल जा रहे हैं, गेंदे का फूल आया हुआ यहाँ पे एक से बढ़कर एक, और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये देख लो भाई साहब काफ़ी बड़ा सा स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। और ये तो आज रिसाली सेक्टर का मार्केट देखते हैं, रिसाली नगर निगम अलग हो गया ना बिड़ू अपने भिलाई नगर निगम से, इसलिए अलग इसका ब्लॉग तो बनता है। इधर यहाँ पे फल के काफ़ी सारे दुकान देखने को मिलेंगे, और ये सेक्टर एरिया में आता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सेक्टर एरिया है भाई। इधर तो भयंकर सारे सीताफल आए हुए हैं यार, अपने पटरी उस पर तो सीताफल देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पूरे फल के दुकान सजे हुए हैं। तो अपने नज़रे से आपको दिखाएंगे भाई रिसाली मार्केट, बहुत फेमस मार्केट है हमारे भिलाई में भाई, काफ़ी सारे मार्केट देखने को मिलेंगे, जुनवानी हो गया, नेहरू नगर हो गए, अपना लक्ष्मी मार्केट हो गए, शांति नगर का हो गया, पावर हाउस हो गए, इसी तरह से ये रिसाली मार्केट है। ये देखो यहाँ पे लोअर मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे फल्ली भी मिल जा रहे हैं, फल्ली एक से एक चौपाटी जैसा लगता है, ये देख लो भाई। रिसाली मार्केट का मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न है, मैं सोचा आप लोगों को मार्केट दिखला ही देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जोहार रिसाली, और कुछ गुड़िया लोग भी आए हुए यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, जोहार रिसाली करके लिखा हुआ है। चलो यहीं से चालू होता है आपका मार्केट, इधर है वाइन की दुकान, देसी शराब दुकान है, और ये देखो यहाँ पे लाइट जगमगा रहे हैं भाई, और ये राशन की दुकान है लगता है, और बुक डिपो भी है हल्का फुल्का। ये देखो भाई बॉयज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम खुले हुए हैं कपड़े लगते का, और ये भाई साहब देख लो भाई इधर भी देख लो, आंटी तो देख ही नहीं रही है कि कार पीछे ले रहा है करके, बाकी इधर देखो भाई साहब एक से एक आप लोगों को दुकानदारी देखने को मिलेंगे कपड़े लगते का, बाप रे। और अभी भी दुकान बनी रहे हैं भाई साहब, ये देखो एशियन पेंट, अंगूरी बार रेस्टोरेंट भाई एक से एक, बजरंग क्या बात है भाई साहब, मिलन वॉच पूरे कपड़े की दुकान है, ये देखो भाई साहब एक से एक ब्रांडेड कपड़े हैं, और ये देखो यहाँ पे टफरी भी है, देखते जाइए आप लोग मेरे नज़रिए से। पारक सुपर बाज़ार पूरा शोरूम खोल दिया भाई, ये देखो लाइटिंग तो देखो यार तगड़ा भाई, आँखें एकदम चुंधिया जात रहा बाड़ू एक से एक ड्रेस आए हुए, यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें हैं, उपहार ज्वेलर्स करके लिखा हुआ है, दांत का दवा खाना है इस साइड में, बजाज का शोरूम भी है छोटा सा, यहाँ पे मेडिकल दुकान है, ये देखो कपड़े लगते की दुकान तो देखो भाई साहब क्या बात है, दुल्हन बैग्स बच्चे लोगों के लिए भी है, हरिओम चंद्राकर करके लिखा हुआ है डॉक्टर, ओ भाई साहब क्या लाइट लगा रखी है यार एकदम ज़बरदस्त। इधर का भी देखो देशमुख भाई, इतना नहीं था यार रिसाली में मार्केट, अभी जो देख रहा हूँ ना भाई देख के ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया है भाई, ये अपना भिलाई लग ही नहीं रहा है, इतना सारा मार्केट हो गया है। इधर काफ़ी सारे राशन की दुकान है, और भी बहुत सारे दुकान हैं, देख लो भाई साहब हमारे नज़रिए से। ग्रामीण बैंक इस साइड में, यूनाइटेड ड्रेस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस इस साइड के एरिया पहले दिखा रहा हूँ, फिर अपन इस साइड के एरिया देखेंगे, बाकी इधर भी देख ही रहे हैं भाई पूरे कपड़े लगते के दुकान है। ये देखो यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह मिल जा रहे हैं, नल वल, यूटोपिया कैफ़े करके लिखा हुआ है, बाप रे
दुनिया भर का भाई दुकानदारी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। गुप्ता फर्नीचर सामने में दिख रहे हैं, फल के दुकान लगा रखे हैं आंटी जी। और देखते जाइए भाई, यहाँ पे सियोमी का भी दुकान खुल गया भाई, मतलब तरक्की में यार रिसाली। तो जब से नगर निगम बना है तब से यहाँ पे गुपचुप मिल जा रहे हैं, और गोल्डन लोन करके लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक है, ये नया बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, देख लो कितना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। घर वर भी है भाई, VIP कॉलोनी है भाई रिसाली, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे अपना नेहरू नगर है ना वैसी। अंदर कॉलोनी का वीडियो तो मैं अभी नहीं बनाने वाला, एक सिटी का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैं सिर्फ मार्केट दिखा रहा हूँ। मैं ये देखो यहाँ पे साहू मोबाइल्स करके लिखा हुआ है, प्रजापति सेकेंड हैंड बाइक भी मिलता लगता है। देखो यहाँ पे KTM के शोरूम खुले हुए हैं भाई साहब, एक से एक KTM की बाइक है यहाँ पे, जो जीवन ज्योति मेडिकल, और यहाँ पे HDFC बैंक है, और इधर हीरो का भी शोरूम है। बताया ना, एक अलग ही दुनिया भाई इधर का। इधर होंडा का शोरूम है भाई, बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, जय दुर्गा ट्रेस। ये देखो यहाँ पे कैफे वैफे भी खुल जाने चाहिए भाई साहब। ये देखो मार्बल मिल जा रहे हैं यहाँ पे, टाइल्स वगैरह, हरी दास मेडिकल, पतंजलि सब दिखा रहे हैं यहाँ पे, यूनियन बैंक है। और ये तो फल के दुकान तो भाई भयंकर है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जी भाजी भी मिल जा रहे हैं। ICIC बैंक, ये छोटा सा गार्डन जैसा बना हुआ है, नर्सिंग होम, अच्छा अंदर साइड में नर्सिंग होम है। स्वादिष्ट पानी पूरी यहाँ पे भेल मिल जा रहा है, समोसा मिल जा रहा है, सब्जी मिल जा रहे हैं भाई। और ये क्या लिखा, छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज, देख लो भाई हमारे नज़रिए से। अमृत तुल्य भी खुला हुआ भाई यहाँ पे, बढ़िया यार। और ये देखो यहाँ पे रंगोली मिल जा रहे हैं, SBI बैंक है इस साइड में, क्या बात है भाई। संतोष ग्रेनाइट मार्बल, ये क्या है भाई, चर्च लग रहे हैं। कार वॉश इलेक्ट्रॉनिक सर्विस करके लिखा हुआ यहाँ पे, पूरा दुकान तो यहाँ से बढ़ा दिए भाई पूरा रोड। इधर भी क्या खुला हुआ पता नहीं, देख लो भाई बहुत अच्छा हो गया भाई रिसाली। तो सिटी का ब्लॉग देखना है तो कमेंट छोड़िएगा भाई साहब, पूरा चप्पा चप्पा छान मारेंगे, इसी बहाने मैं भी देख लूँगा, आज तक कभी अच्छे से देखा नहीं हूँ। पतंजलि भाई हर जगह देखने को मिल रहा है, ये क्या खुल गया भाई, मैकडोनल्ड्स भी खुल गया भाई, क्या बात है। KFC भी खुल गया क्या, इस साइड में देखना पड़ेगा, नहीं खुला तो आने वाले समय में शायद तक खुल जाए। अब यहाँ से रिटर्न ले लेंगे, सिटी तो बहुत बड़ा है, सिटी तो अभी मैं नहीं दिखाने वाला। ये देखो यहाँ पे बॉयज़ के लिए यहाँ पे शोरूम खुले हुए हैं कपड़े लगते का, यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं भाई साहब। पूरा रोड किनारे में जितने भी मार्केट है सब दिखाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वाह, मुँह तो बंद कर ले भाई, मच्छर घुस जाएगा। भाई साहब यकीन नहीं हो रहा कि ये रिसाली है। किसी ज़माने में यहाँ पे इक्का दुक्का दुकान हुआ करता था, अभी देखो दुकान का पूरा ब्रह्मांड है। डोमिनोज भी खुल चुका है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया। और ये क्या है भाई, अच्छा स्कूल है ये, पतंजलि, हर जगह पतंजलि भाई। और अंदर अंदर में बहुत बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, जो जब सिटी का ब्लॉग बनाऊँगा ना तब आप लोगों को दिखलाऊँगा भाई। बाकी मेरे नज़रिए से देख लो, हल्का फुल्का सिटी भी देख रहे हो और मार्केट भी देख रहे हो आप लोग। और फल के दुकान तो भाई इतने सारे हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरह से, ये चर्च है, ये देख लो भाई साहब, संत जॉन करके लिखा हुआ है, संतोष मारवाल, ये तो खैर मैं आप लोगों को दिखला दिया। और यहाँ भी चाय की चुस्की आप ले सकते हैं। तो कपड़े की दुकान देख रहे हैं इस साइड में, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखो JCB निकल जा रहा भाई कहाँ से। रुक जाएगा संगवारी, सर यहाँ पे गाड़ियाँ सब खड़ी है, क्या है भाई यहाँ पे, डॉक्टर, ICICI बैंक है इस साइड में, केनरा बैंक है, हिंदुस्तान बैंक है, लॉज भी है देखो यहाँ पे रुकने ठहरने के लिए, यूनियन बैंक है। देखते जाइए भाई लोग, आप लोग भाई एंड बहन लोग। कॉलोनी भी देख रहे हो अंदर अंदर, मस्त कॉलोनी बनी हुई है। कपड़े लगते का तो भरमांड है, देखो होंडा का शोरूम जो आप लोगों को मैं दूर से दिखला रहा था।
और इधर हीरो का शोरूम है, केटीएम का शोरूम है, एचडीएफसी बैंक है, इधर भी गुपचुप का दुकान लगा हुआ है। मतलब कि तरक्की में है यार, वाकई में जब से ये नगर निगम बन गया तब से। नाला है यार इस साइड में, इधर गद्दे वद्दे भी मिल जा रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया सा हर एक सामान अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ऐसा था कि लोग सेक्टर एरिया में नहीं मिलता था तो लोग अपना सुपेला आते थे, लेकिन यहाँ पे हर एक दुकान खुल चुके हैं देखो। मतलब कि यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई लोग। यहाँ पे चेयर की भी दुकान है देखो, गुप्ता फर्नीचर। देखते जाइए भाई लोग, हमारे नज़रिए से पूरा मार्केट आप लोगों को दिखला रहा हूँ मैं। कुछ लोग तो मुझे ही देख रहे हैं भाई साहब, क्या घूम घूम के क्या कर क्या रहा है लड़का करके। देखो यहाँ पे मैगी पॉइंट बना हुआ, गुपचुप सेंटर, मैगी भी मिल जा रहा है, क्या बात है। खाने पीने के भी बहुत सारे दुकान है, चिकन चिल्ली, यहाँ भी गद्दे वद्दे मिल जा रहे हैं भाई साहब, बढ़िया यार। ये देखो दुकानदारी पूरा, दवाई की दुकान, कपड़े की दुकान, हर तरह की दुकान अवेलेबल है। वाह यार, एक से एक कपड़े आए हुए हैं भाई साहब, देख के तो ख़रीदारी करने का मन कर जाता है। इसलिए इन लोग पूरा दुकान के बाहर सजा रखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी है साइड में, इधर जूते चप्पल सबके दुकान है। इधर भी समोसा भजिया सब मिल जा रहा है। ओ भाई साहब एक नंबर, देख रहे कपड़े, एक से एक कपड़े आए हुए मार्केट में। आधा से ज़्यादा तो पूरा कपड़ा का ही मार्केट है और खाने पीने के। ये देखो यहाँ पे समोसा निकल जाएगा गर्मा गर्म, दुल्हन बैगल्स करके लिखा हुआ है, प्रिया ट्रेस्ट। किधर किधर देखूँ, ऐसा हो गया भाई साहब। बजाज का शोरूम भी है साइड में, छोटा सा है लेकिन है तो कम से कम अपोलो। उपहार ज्वेलर्स तो आप लोगों को मैंने दिखला ही दिया। देखो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कपड़े हैं, साई अच्छा ये ज्वेलर के दुकान है इस साइड में। डॉग लॉक के लिए भी है यहाँ पे, खाने पीने के लिए। और ये देखो यहाँ पे चिल्हर विक्रेता है। और ये सब तो आप लोगों को मैं दिखा दिया भाई। दवाई की दुकान है, बहुत बड़ा सा खुला हुआ भाई, नंदनी। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा अच्छा यहाँ पे कपड़े आए हुए हैं। वो बहुत बड़ा सा मार्केट हो गया है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे वही काफ़ी सारे नमकीन आइटम के दुकान खुले हुए हैं। अंदर में और है मार्केट, तो थोड़ा अंदर भी घुसकर देख लेते हैं लगे हाथ। दोना पत्तल ये सब की भी दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे लाइट के, इलेक्ट्रॉनिक के, फर्नीचर हो गए, रंगोली हो गए, देखो कूलर वगैरह भी हैं इस साइड में। ओ गौ माता, ये अंदर अंदर मार्केट इस तरह से है। यहाँ पे गैस मिल जा रहा है, गैस मतलब चूल्हा मिल जा रहा है। इधर थोड़ा देखते हैं, मेन तो उसी रोड किनारे में ही है। और यहाँ पे छुटका मुटका दुकान देखने को मिलेगा, भोजनालय, टिफ़िन सेंटर। अच्छा यहाँ पे टिफ़िन भी मिलता है, क्या बात है। और ये क्या है भाई, अच्छा राशन की दुकान है पूरा ये। देखते जाइए भाई साहब, और आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हर तरफ देखने को मिल रहा है। इधर भी पूरा मार्केट है भाई, यहाँ पे फूल मिल जा रहे हैं, लाइट मिल जा रहे हैं, नारियल पानी मिल जा रहा है। इधर भी मेडिकल है, श्री राम फ्लाई वाला था, फ्लाई वाला। वाह एक से एक लाइट आई हुई मार्केट पे, अपने घर के लिए भी लेके जाने हैं यार। वेस्ट तड़का थाली, अच्छा खाने पीने के दुकान सब इसी साइड में है। अगर आपको भोजन करना हो या शाम रात का खाना खाना हो तो इस साइड में आपको खाने मिल जाएंगे। इधर वाइन की दुकान है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये श्री राम चौक है, यहीं से अपन आगे से घुसे हुए थे, रिसाली मार्केट। और इधर सामने में देख रहे होंगे मोबाइल कवर की दुकान है। और इधर भी वही अंडा रोल हो गए, चिकन चाउमीन हो गए, चिकन वगैरह से भी सब मिल जाते हैं। इधर मैं गया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए,
अब थोड़ा इधर का मार्केट देखते हैं, उसके बाद हमारा ब्लॉग समाप्त हो जाएगा भाई साहब। ये देखो यहाँ पे लिट्टी चोखा मिल जा रहा भाई, लिट्टी चोखा भारत मेडिकल, इधर दूध मिल जा रहा भाई, ये देख लो। ये देखो यहाँ पे सैंडल जूती, और इधर भी भाई दवाई की दुकान। ये क्या खोल दिया भाई साहब, गुपचुप दुकान खुला हुआ है। यहाँ भी हल्का फुल्का आपको चौपाटी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देख लो, लोग यहाँ भी आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, सेल लगा हुआ यहाँ पे। और बहू रानी है महावीर ज्वेलर्स, अच्छा ज्वेलर्स के दुकान सब इसी साइड में है। थोड़ा इधर देखते हैं भाई साहब, ना बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया भाई साहब ज्वेलर्स के, हरियंत इधर भी ज्वेलर्स, अच्छा ज्वेलर्स के दुकान सब इसी साइड में है। ये देख लो भाई साहब, बर्तन के भी दुकान है इस साइड में। तो यहाँ पे बाइक मैकेनिक के भी दुकान है, हर तरह के दुकान अवेलेबल है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। और सामने का घर देखो क्या शानदार दिख रहा है, बढ़िया है यार। विशाली बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। सिटी का ब्लॉग बनाना तो बनता है, और यहाँ भी सेल लगा हुआ है, हर जगह सेल लगा हुआ है भाई। इसे गैस उसी रूट पर आ चुके हैं हम लोग, रुक जाओ भाई। ये देखो जोहार रिसाली, यहीं से आप लोगों को मैं मार्केट दिखाने के लिए गया हुआ था। तो मैं भी सोच रहा हूँ अब आया हूँ तो यहीं कहीं कुछ खा पी लेता हूँ करके। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग।